हेलो एवरीवन, सो लेट्स गेट ड्रेस्ड फॉर क्लिनिक टुडे। और आज मैं पहनने वाली हूँ ये कॉटन का कुर्ती। ये मम्मी ने ऑलमोस्ट मुझे 2 साल पहले गिफ्ट किया था और आज मैं इसे पहली बार पहनने वाली हूँ। और इसके साइड में आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये पैटर्न किया हुआ है। और ये जो मटेरियल है ना, ये खादी की है, बहुत ही कम्फर्टेबल है। इसके साथ ब्लैक या व्हाइट कौन सा अच्छा लगेगा? ओके, आई विल गो विद ब्लैक। हियर आई एम। लेकिन मुझे ना अपनी वेस्ट लाइन पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि सी सेक्शन के बाद काफ़ी बेली फैट बढ़ गई है और आई नीड टू वर्क ऑन दिस एरिया। ठीक से एक्सरसाइज हो नहीं पा रही है, और अगर होती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, जिससे मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिला भी है। तो खैर छोड़िए, अभी इस पैंट की तरफ आते हैं, जिसमें एक पॉकेट दी गई है। और आई स्ट्रिक्टली गो विद द पॉइंट कि गर्ल्स की ड्रेसेस पर पॉकेट देनी चाहिए ना, ताकि हम अपनी पर्सेस, मोबाइल, ये सारी चीज़ों को कैरी कर सके। और इस पर एक स्लिट भी दिया हुआ है पैर पर, जो मुझे काफ़ी पसंद है। और त्रिया नींद से भी उठ गया, सोच रहा है मम्मा रेडियो के कहाँ जा रही है। उसके गाल आप देख सकते हैं कैसे लाल लाल हो गए हैं फूल के सोने के बाद। ओहो, तो काफ़ी गर्मी हो रखी है। और मैं बस सिंपल साइड पार्ट करके एक पोनीटेल बना लूँगी। अब करेंगे सिंपल सा मेकअप। स्विस बेटी की ये आईब्रो पेंसिल लेके आईब्रोज को फिल कर लूंगी। तो लिपस्टिक से ही थोड़ा सा ब्लश लगा लेंगे और फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई कर लेंगे। और थोड़ी सी मोटी मोटी करके काजल लगा लेंगे, काफ़ी अच्छा लगता है ये मुझे। फिर थोड़ा सा लिपस्टिक, मस्कारा, एंड आई एम रेडी। क्लिनिक जाने से पहले त्रियान के साथ थोड़ा घूम के आऊंगी। सो बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।